कंपनी के बारे में, जो कि मेरा एक पिछला वीडियो था, मैंने चार पंखे के बारे में बताया था और लोगों में उसको गलत थिंग चल रही है कि उनको ऐसा लग रहा है मैं सीकर कंपनी को बदनाम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आपको समझाने का आइडिया था, मैं इस तरह से किसी तरह से आपको समझाऊं कि लोगों के दिमाग में माइंड में रहता है अच्छे पंखे लगाने से, उसमें ज्यादा हवा करने से, ब्लोअर लगाने से कि बाहर की हवा अंदर देने से कि चक्की परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो ये दोस्तों आपकी गलत सोच है। और मैं आपको बता दूं, मेरी शिखर कंपनी सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने शिखर कंपनी 1 ईयर के अंदर मैंने 2.5 फुट यानी 30 इंच की चक्की खरीदी। चक्की के साथ में मैंने स्टोन भी खरीदे, ठीक है ना। वो स्टोन की क्वालिटी, कई बार उसका आटा भी देखा होगा आपने कितना पाउडर आता है ना। उसके बाद मैंने 20 इंची चक्की थी मेरे घर पे लगी हुई, जिसका एक भी वीडियो आपके पास मिला नहीं है, जब जल्दी उसका वीडियो भी आएगा। उसका 20 इंच का मैंने स्टोन डाला और उसके बाद में मैंने अपनी खुद की चक्की में भी 18 इंच का स्टोन डाला, जो कि बड़ी एमी स्पेशल, जो कि मेरा एक पिछला वीडियो भी आप देख सकते हो उसके ऊपर, शिखर कंपनी का जब मैं स्टोन लाया था तब का मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। और उसके बाद में मैं एक मेरी चक्की और मैंने एक शॉप की और ओपनिंग करी, तो उसमें भी मैंने 18 इंच का स्टोन डाला। उसके बाद में अभी मैंने 2 सेट और ऑर्डर किए हुए हैं, जो कि अभी कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर उनकी क्वालिटी खराब होती स्टोन की, है ना, तो मैं ऑर्डर क्यों करता, है ना। और दूसरी बात ये कि पंखा कभी अनाज नहीं पिसता है, ठीक है ना। आप ये माइंड में सोच के भूल जाओ, पंखे अगर किसी थर्ड क्वालिटी का जो स्टोन होता है, मान लो किसी कंपनी का, अगर आपको पंखा अगर लग रहा है उसी से है, तो आप खुद लगा लो ना। आप खुद एक गोल रिंग बना के उसके अंदर 4 क्या 6 लगा दो, उससे आपकी सस्ते में हो जाएगा आपका काम, तो है ना। तो क्यों आप गलत सोच दिमाग के अंदर रखते हो, स्टोन की क्वालिटी और आप अच्छा काम करोगे, उसके अंदर अच्छी नाली बनाओगे। अगर बढ़िया कंपनी का स्टोन भी लोगे और उसके साथ में आप नाली नहीं बनाओगे और बाहर की हवा देने के चक्कर में रहोगे ना, तो वो बढ़िया कंपनी का स्टोन भी टूट जाएगा और मतलब क्रैक हो जाएगा। तो नाली की गहराई देनी अच्छी होती है। और मैं 6 नाली बना दूं, आप 12 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बनाओ, लेकिन 6 में बढ़िया बनाओ। बढ़िया बनाओगे तो आप जो पंखा पंखे की तरह काम करती नाली, है ना, तो नाली के साथ आटा और अनाज सब कुछ साथ में होगा, चक्की का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आटा एकदम बारीक आएगा पाउडर। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना, बड़ी एमबी के अंदर मैदे के समान गेहूं का आटा कोई नहीं निकाल सकता है और मेरी चक्की में निकल रहा है लाइव प्रूफ के साथ, जो कि मेरा लाइव वीडियो आप देख सकते हो, कई बार देखा भी होगा आपने, है ना। तो क्या रीजन है, रीजन वही है ना, अगर अपन काम अच्छा करेंगे, है ना, तो अपनी चक्की अच्छी चलेगी, बड़ी एमबी बारीक आटा आ सकता है। लेकिन जितने भी कस्टमर होंगे, जो भी आपको पता होगा कि उनके सब ये रिक्वायरमेंट रहती है, बारीक एमबी का स्टोन में आटा बारीक आता है, जबकि बड़ी में भी बारीक आ सकता है ना। तो दोस्तों, मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और अगर आपको माइंड में ये लग रहा है कि शिखर कंपनी का मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, नहीं भाई, मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही मेरे स्टोन आएंगे तो मैं उसका रिव्यू करके आपको बताऊंगा। और जल्दी मेरे आज ही कंपनी से बात हुई है, तो 2 या 3 दिन में आने वाले हैं, मंडे को निकल जाएंगे स्टोन। उसका रिव्यू करके बताऊंगा आपको मैंने कौन से स्टोन मंगवाए हैं, कौन से अमेरिका मंगवाया है। तो चलो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।